हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट भाई दूज पोस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे डायमेंशन 2000x2000 लिया है एंड रेजोल्यूशन इज 300। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट फिल कर रही हूँ। इसका कलर कोड मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड फिल कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक पैटर्न डाउनलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको हम इस डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अपने डिज़ाइन पे लेकर आ जाते हैं एंड प्रेस कंट्रोल टी फॉर रीसाइज एंड मैं इस बैकग्राउंड की ओपेसिटी 12% कर रही हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पे शेप टूल लेंगे, शेप क्रिएट करेंगे एक। मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दी है एंड अब हम इसको लॉक कर देंगे एंड न्यू लेयर लेंगे एंड पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। ये शेप हमें यहाँ पे पेन टूल से बनानी है कर्व करके। इसको हमें हाफ में ड्रॉ करना है एंड देन प्रेस कंट्रोल एंटर फॉर सेलेक्शन एंड उसके बाद हम इसमें कलर फिल कर देंगे। इसके बाद हम इस लेयर की डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट के लिए प्रेस कंट्रोल जे एंड इसको हम फ्लिप कर देंगे। मैं इस लेयर को यहाँ पे मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करने के लिए प्रेस कंट्रोल ई फॉर मर्ज। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ की थी, इसको भी हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। नेक्स्ट हमें इस लेयर की सिलेक्शन लेनी है तो सेलेक्ट करके सेलेक्ट पिक्सल्स एंड न्यू लेयर और इस पे हम यहाँ पे स्ट्रोक डाल देंगे। स्ट्रोक विड्थ मैंने यहाँ पे 15 पिक्सल लिया है
एंड इस शेप में हम ड्रॉप शैडो यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पूजा की थाली डाउनलोड की हुई है, ये इमेज, इसको हम अपने डिज़ाइन में यूज करेंगे। अगेन हम यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे। हमें इस प्लेट की शेडो बनानी है यहाँ पे, तो मैंने एक शेप क्रिएट किया है एंड देन इसमें अप्लाई करेंगे हम मोशन ब्लर। एंड इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये लाइट इमेज डाउनलोड की हुई है, लाइट की, इसको हम स्क्वायर के बॉर्डर पे यूज करेंगे। इस लेयर को हम इस शेप के नीचे रख लेते हैं। अगेन हम इस लेयर का डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड देन फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको लेफ्ट साइड में यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एलसी स्वास कैप फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है और हम इसको अपने डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं। एंड इसका फॉन्ट मैंने यहाँ पे पॉपिंस यूज किया है।
नेक्स्ट मेरे पास ये टीका की इमेज है जिसको हम टेक्स्ट के ऊपर यूज करेंगे सेंटर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्लावर यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हैं। एंड हम इसमें यहाँ पे ग्रेडियंट फिल करेंगे। एंड इसके बाद हम यहाँ पे शेडो यूज करेंगे, ड्रॉप शेडो। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस लेयर की एक डुप्लीकेट ले लेंगे, प्रेस कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट एंड इसको रीसाइज करेंगे। एंड इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट की जगह सॉलिड फिल किया है। अगेन हम इस लेयर की कॉपी ले लेंगे एंड इसको रीसाइज कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे। एंड इस वाली लेयर से हमको ड्रॉप शेडो हटा देना है एंड उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेडियंट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा फ्लावर का डिज़ाइन रेडी है। तो इसकी हम डुप्लीकेट लेकर इसको लेफ्ट साइड में भी यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे और भी प्रीसेट्स को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप अपने डिज़ाइन में जैसा भी यूज़ करना चाहें। आप यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं इसको। तो हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।